بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن डॉक्टर जावेद साहब से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब 20 साल से माशाल्लाह आप सूर्य रहमान की थेरेपी, यू कॉल इट अल्टीमेट थेरेपी, उससे इलाज कर रहे हैं कैंसर के पेशेंट, एड्स के पेशेंट। इनफैक्ट मैं अपना एक एक्सपीरियंस इससे पहले कि आप बात शुरू करें जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो कि मैंने आज तक ऑनलाइन कहीं भी नहीं कहा। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम आई वॉज डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर, बट इट वॉज वेरी अर्ली स्टेज और मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, इन्होंने मुझे दुआ कराई, इन्होंने मुझे 7 दिन सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज में सुनने को कहा। मैंने 7 दिन सुनी और उसके बाद जब मैं अपना चेकअप कराने गई तो सब कुछ खत्म हो चुका। माशाल्लाह आप गुज़श्ता 20 बरस से सूरह रहमान और फजील मुल्ला शरीफ से इलाज कर रहे हैं, तो ये ध्यान कैसे आए? पहले तो मैं ये करेक्शन कर लूं, तो मैं नहीं कर रहा, शिफा अल्लाह देता है, मैं सिर्फ तरीकाकार बता रहा हूँ। अल्लाह करीम, रसूल करीम और कुरान करीम, ये सारा साल पूरी कायनात में सबके लिए अवेलेबल है। अब जो खास है, खास इनाम जब मिलता है जिनको तौफीक कर अल्लाह देता है, तो उन्हें फिर रमजान करीम चौथा करीम साथ मिलाया जाता है। और कुरान करीम सरकार दो आलम के कल्ब से नाजिल हो चुका, मैं उलमा कराम की मौजूदगी में मेरा जैसा गुनाहगार इस बात की तो क्या बोलेगा, मैं तो डॉक्टर हूँ। आप बता रहे हैं कि मेडिसिन का एक प्रोफेसर, आईसीयू का तकरीबन रिटायरमेंट की करीब, डॉक्टरी के साथ इधर तो उन्हीं की वजह से आया। जब मैं जिस तरह नूर बुखारी कह रही हैं, इसी तरह मैं मूली मर्ज, जैसे आप एड्स कहते हैं, काला जैतान कहते हैं, जी सी वायरस, वैसे ही ये कहानी तो मैं काफ़ी बार सुना चुका हूँ। वो एक मुझे हो गया और मैं 2-3 साल में मायूसी के गढ़ों में अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा था खामोशी से, क्योंकि एज ए डॉक्टर में जानता था कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो अल्लाह करीम ने वो खास उस बंदे से मिलवा दिया। उससे पहले मैं सभी के पास गया, डॉक्टरी भी और हर किस्म का इलाज, हर जगह से रिफ्यूजल था, खुद भी जानता था। उन्होंने यही काली बासत मिस्री की आवाज़ में सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके अल्लाह के रूबरू पेश होके, लेकिन अपना दिल साफ कर, जो मुझे बाद में समझ आई कि सबसे बड़ा सदका है माफ़ कर दें। जब मैं रहमान से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो अगर उसकी मखलूक को मैं माफ़ कर दूंगा, अगर किसी ने मेरे से भी ज्यादती की हुई है, तो मैं पहले ही माफ़ कर देता हूँ, कि ये बहुत बड़ा अल्लाह को कहे कि मैंने तोहफा पेश कर दिया। और सरकार दो आलम का ये मुझे बाद में पता चला कि ये उनकी सुनना है। हम डॉक्टर्स हैं, जैसे उलमा कराम कह रहे हैं कि कुरान आ गया, कुरान नाजिल हो गया, अब मोमिन के कल्ब पे तारी हो सकता है, कोई एक आज भी तारी हो जाए तो लग पता जाता है, लेकिन उस पर अमल असल चीज थी। सरकार ने कहा कि मैं अब पर्दे में और मैं तुम्हारे दरमियान अपना अमल और कुरान छोड़ के गया। खुद में कुरान मुबीन चलते चलते आप कैसे कहते हैं, जहाँ भी जाते थे और हर जगह इबादत हो सकती है, और अब उन्होंने ऐसा कह दिया कि शेर का तुम कर नहीं सकते, ऐसा अल्लाह मैं छोड़ तुम्हारे साथ तुम्हें पहचान देते जा रहा हूँ कि इसके साथ किसी अलग शामिल नहीं हो सकती। अभी उदी का सिर में हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा है कोई नहीं, तो क्या शामिल करो। तो मैं अपनी डॉक्टरी के साथ था और अल्लाह से दुआ मांगता था, जब डॉक्टर बना था कि तुम्हें हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, मुझे बता देना अपने मरीजों में मुफ्त बांटूंगा, लेकिन खुद ही फंस गया जब, और करीब था कि शायद मुझे भी हो जाता। तकरीबन साइंसी की तरफ वापस देख रहा था, जितना कोरोना का इलाज नहीं किया है, लेकिन सारे हॉस्पिटल भरे हुए, कैंसर का इलाज नहीं किया है, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल भरे हुए, क्योंकि हमारा अल्लाह हम कुरान में बार बार कह रहा, मैं देखता और सुनता हूँ। तो मैं तो वो डॉक्टर हूँ कि जिस वक्त हम अपनी जिंदगी में कोई कोताही कर रहे हैं खाने पीने में किसी भी चीज़ में, तो मैंने तो उनको टीकाकार रास्ता, जो रास्ता भटक गया मेरा, तो वो जिम्मेदारी है, तो मैंने उसे बताना है कि अब ये टीका या दवाई या सिरप या इलाज। हम आपसे कोरोना के हवाले से खास मैं पूछूंगा, इंशाल्लाह पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये मर्ज, और हम दुआ भी करते हैं नाज़रीन के अल्लाह करीम तमाम इंसानियत को इस मर्ज से निजात अता फरमाए। मैं खास कोरोना के लिए आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं सुनने के लिए कहते हैं, आपने सूरह रहमान सुनने का आप सबको कहते हैं कि उसमें वाइब्रेशन है, तो पढ़ना समझना फिर मैंने तो अमल करना भी यहीं से सीखा, तो आप बताएं सर सुनने का क्या होगा? अच्छा, इसके साथ साथ हमारे नाज़रीन को कोरोना में इंतजार कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन के डॉक्टर बताएंगे हमें कोई कोई थेरेपी कोरोना के, कोरोना जी जो कोरोना की बात अब कर रहे हैं,
हम अपने आईसीयू में भी जहां जहां हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेक लोग अचानक एतराज कर देते हैं, सिखा जिद्दत पता नहीं क्या, मैंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया बाबा जी की तो घर पर पर्दा फरमा ले। कोरोना के पेशेंट्स पे मेरे अपने फैमिली में भी मेरे जितने पेशेंट साल से हैं, मैं बता रहा हूँ मैं अपनी जगह से, और डॉक्टरी इलाज करना सबसे जरूरी बात है क्या, ठीक है ठीक है। वैक्सीन का भी पूछते हैं, वैक्सीन इसको आप लगवा लें अगर आपको अवेलेबल है, लेकिन ये याद रखिए कि उसके बावजूद आपको एसओपी फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बावजूद आपको सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सारी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी इतनी किस्में हो गई है कि वैक्सीन हर चीज के अगेंस्ट नहीं है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं है, और अभी डॉक्टर्स भी आपको 100% नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा। पहला जो पाकिस्तान में चाइनीज आई थी वो सबसे सेफ है, लेकिन स्टिल वो आपको सेफ नहीं कर देगी, जो नई आ गई है स्ट्रेन उनके अगेंस्ट नहीं वो काम करेगी, तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी नंबर वन। हाँ, सूरह रहमान और कसीदा गुर्दा शरीफ, सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज में और कसीदा गुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज में, जो पेशेंट्स ऑक्सीजन पे थे वेंटिलेटर्स पे थे उनमें से बहुत सौ को अल्लाह ने शिफा दी, और बहुत से तो ऑक्सीजन से ही, बल्कि लाहौर जेल में 190 पेशेंट था पिछले साल, उन बेचारों की जो खुराक होगी आई जेल मैनेजर साहब जो उनके लिए दुआ में दुआ गो हूँ, अभी फिलहाल वो कुछ बीमार हो गए लेकिन कहीं कुछ शिकायत हो रहे हैं, तो पूरे पंजाब की जेलों में मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने सूरह रहमान पहले से शुरू की हुई, 190 मरीज हम डॉक्टर्स ही हमारे सर्विसेज के मेरे बच्चे जाते लिख रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन की, उनमें से ज्यादातर ऑक्सीजन बचे, लेकिन सूरह रहमान दिन में कम से कम एक बार ही लगे सारे ही 100% रिजल्ट है। अच्छा, लेकिन ये बात है, अगर हम ऐसे कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे ये नॉन साइंटिफिक है और ये शायद असल इलाज के कारण, असल इलाज अभी है नहीं है, तो आप अस्पताल में तब आए जब आपको ऑक्सीजन भी की जरूरत है, बाकी पैसे भी लोगों ने कमाए वो भी अल्लाह उन्हें भी दे रहे, लोग कुछ भी दवाइयां लगा के और सारा कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए पैगाम यही है कि अपने घरों में अपनी गाड़ियों में जहां आप तवज्जो दो, आपने बाकी के चलता फिरता ना रहे। कुरान का ये हुक्म है कि कुरान का मतलब ही है कि रात किया हुआ, एक पढ़ेगा दूसरा सुनेगा, और सरकारी द्वारा को सुनना पड़ता था, तो जब मेरा कलाम पढ़ा जाए, जब किरात किया जाए, उसे तवज्जो और यक सुरी से सुनो, मुमकिन है तुम पे रहम किया जाए, जब आप फंस गए तो रहमान को पुकारेंगे कि तहारो जुबान को पुकारेंगे, बेशक अब रहमान को पुकारेंगे और उसकी रहमत आ रही तो देखिए पानी दे दी, तीन बार अल्लाह करके पानी पी जाए, मेरी बच्ची रोती है या मुझे पुकारती है तो मेरी मुझे ऐसे तड़प जाती है, जब हम कहते हैं हमने सुना भी है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कि ये कैसे हो सकता है कि आप उसको सच्चे दिल से पुकारें और वो आपकी आवाज है सुने, उसकी तरफ मतवजा तो हूँ, आज पाक को समझ के पढ़े सुने, इसी में शिफा है, इसी में सब कुछ शामिल है। सर जावेद डॉक्टर साहब, सूरह रहमान का जो हम मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप सुने, आप उससे पहले कहते हैं दिल साफ करने, सबको माफ करने, जो कि हमने आपसे अनकंडीशनल लव जो आपसे सीखा भी, तो ये दिल कैसे साफ करना, सरकारी मालूम सोने से पहले घर साफ करके सोते, और उन्होंने कहा कि सोने से पहले घर साफ कर लिया करो, वो वाला घर जो वो बैंक अकाउंट खाली कर लेते थे, तीन दिन का फाका है, अगर उस माने गनी ने सवाल भी भेज दिया तो फिर सारा बांट दिया, ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा, वो तो उनका ईमान है ना, हम लोग तो अपने बैंक अकाउंट नहीं खाली कर सकते, लेकिन ये वाले घर तो खाली कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह यहाँ आ जाए, वैसे तो वो हमारी ख्याल है इधर से पता चले दूसरे को, तो वो इससे भी करीब है, हमारे ख्याल से भी करीब है, हम माने या ना माने कहते रहे और जो मर्जी करते रहे, लेकिन वो तो उसकी बड़ी शान है, आप कह रही है माँ है, वो 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है, वो तो उसका दर तौबा खुला है और अभी भी खुला है, और अभी भी वो यही कह रहे हैं जैसे कवाल कह रहे थे कि सजन में राता काल, तो वो सजन यही है कि जब वो साथ नहीं है, जब उसको भूल गए, अब ये कोरोना आ गया तो राह घूम रहे पता नहीं चल रहा ना, तो कम बैक टू द कुरान, कुरान को सुन लो, कुरान को सुनना भी है तो दिल तो पाक कर रहे हैं पहले, वुजू कर रहे हैं ना, दिल पाक कर रहे हैं इसलिए दुख ना हो, तो हमारे अपने अंदर एक तो गुस्से नफरत, नफरत असल बीमारी है, मैं 30 साल की डॉक्टरी से ये समझा हूँ कि हम हमारी रूह पहले बीमार कमजोर होती है, जब मैं ये भी रोशनी में हूँ, मैं तो तुम्हें कर लूंगा बिल्कुल भी रोशनी है, लेकिन अब मैंने सोच की तरफ से नजर हटा ली, अल्लाह वही का वही मौजूद है, मेरा गैर अल्लाह की तरफ ध्यान है, ठीक है, मेरे अपने गुस्से नफरतें हसद कीने भुगत ये मेरी एनर्जी कम कर देते हैं, ठीक है, मैं लेस पॉजिटिव हो जाता हूँ, अब हल के वापस उस रोशनी की तरफ आ जाए, उसकी तरफ आप एक कदम उठाओगे वो तो 100 कदम आता है। علم القرآن خلق الإنسان علمه